बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपने देखा किस तरह से यात्रियों की मुश्किल को अब भुनाने में लगी हुई एयरलाइन कंपनियां, और जापान में आए सुनामी के बाद अब रेडिएशन के खतरे ने ना सिर्फ जापान बल्कि विदेशों में भी खतरा पैदा करना शुरू कर दिया है। इसके चलते सबसे ज्यादा असर ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री पर पड़ रहा है। रेडिएशन के खतरे और सुनामी के डर के चलते भारतीय पर्यटकों ने दक्षिण एशियाई देशों के लिए बुकिंग तक रद्द करवाना शुरू कर दी। जापान में आई सुनामी, शुरू हुआ रेडिएशन का खतरा, पर्यटन पर भी बढ़ा खतरा। दक्षिण एशियाई देशों के लिए पर्यटक रद्द करवा रहे हैं बुकिंग। 11 मार्च को जापान में सुनामी ने सब कुछ तबाह कर दिया। ऊंची समुद्री लहरों ने पूरे देश को कुछ पलों में पानी में डुबो दिया। सुनामी तो खत्म हो गई, लेकिन अब परमाणु प्लांट से रेडिएशन के खतरे ने जन्म ले लिया है, और इस रेडिएशन के खतरे ने ना सिर्फ जापान बल्कि आसपास के दूसरे देशों में भी खतरा फैलाना शुरू कर दिया है। हजारों यात्री एयरपोर्ट पर फंसे बस इसी उम्मीद में हैं कि जल्द से जल्द उड़ान भर किसी सुरक्षित जगह पहुंचे, लेकिन इस कुदरत के तांडव का बुरा असर पर्यटन पर भी पड़ने लगा है। रेडिएशन के खतरे के चलते अब पर्यटकों ने जापान को तो पहले ही अपनी छुट्टी की लिस्ट से काट दिया था, और अब सस्ते हॉलीडे डेस्टिनेशन माने जाने वाले दक्षिण एशियाई देशों के लिए भी अपनी बुकिंग्स रद्द करवानी शुरू कर दी है। जो इंडिया से टूरिस्ट है जापान के लिए, वो तो मोरल लेस 80-90% कैंसिल हो गए हैं, पर जापान के अलावा जो और बाली और थाईलैंड मलेशिया वगैरह लोग जा रहे थे, उधर भी थोड़ी 10-15% कैंसिलेशन शुरू हो गई है। जानकारों की माने तो सुनामी और रेडिएशन के खतरे ने भारतीय और विदेशी पर्यटक अब बाली, मॉरिशस और मलेशिया जैसे हॉलीडे डेस्टिनेशन जाने के लिए अपनी बुकिंग रद्द करवा रहे हैं। हर साल जापान से भारत आने वाले पर्यटकों की संख्या करीब 30,000 है, लेकिन ऐसी सूरत में भारतीय पर्यटन उद्योग को भी बड़ा झटका लगा है। भारतीय विदेशों में सस्ते में छुट्टियां मनाने के लिए सबसे ज्यादा बुकिंग्स मलेशिया, सिंगापुर, बाली, मॉरिशस और थाईलैंड जैसे देशों के लिए करवाते हैं, लेकिन अब भारतीय पर्यटकों के पास केवल महंगे छुट्टी के ऑप्शन ही बचे हैं। टूर ऑपरेटर्स के पास अब ज्यादा बुकिंग अमेरिका और यूरोप के लिए आ रही है, लेकिन अमेरिका या यूरोप के लिए छुट्टी के पैकेज काफी महंगे होते हैं। पहले से ही इजिप्ट और अफ्रीका जाने वाले पर्यटकों की संख्या में भारी कमी आई है, और अब जापान के अलावा दक्षिण एशियाई देशों में भी बुकिंग कम से कम हो गई है। साफ है, इस साल अगर आपने गर्मियों की छुट्टियां विदेश में मनाने का मन बनाया है तो तैयार रहिए मोटी रकम चुकाने के लिए, क्योंकि सस्ते हॉलीडे डेस्टिनेशंस की बुकिंग में कमी आ रही है, और महंगे डेस्टिनेशन जाने के लिए आपको अपनी जेब फिर से टटोलनी पड़ेगी। मोनिका तोमर के साथ बिजनेस ब्यूरो न्यूज 24।